पुलिस विभाग में मेहनत और लगन से काम करने वाले पुलिसकर्मियों को शुक्रवार को एडीजी दावा शेरपा ने अपने कार्यालय में सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में विवेचना का समय से निस्तारण करने तथा आपराधिक घटनाओं का खुलासा करने वाले जितेंद्र कुमार दुबे क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज गोंडा को प्रथम, देवेंद्र कुमार क्षेत्राधिकारी सदर महाराजगंज को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। सितंबर माह में सराहनीय कार्य करने वाले प्रभारी निरीक्षक उप निरीक्षक को भी सम्मानित किया गया। राजघाट गोरखपुर के थाना प्रभारी राजेश कुमार पांडे को जल्द से जल्द खुलासा के लिए प्रथम पुरस्कार, अपराध शाखा जनपद संत कबीर नगर के उप निरीक्षक जी एन त्रिपाठी को द्वितीय पुरस्कार, थाना वजीरगंज जिला गोंडा के निरीक्षक संजय कुमार दुबे को तृतीय पुरस्कार दिया गया। इस दौरान गोरखपुर के आईजी जयनारायण सिंह, बस्ती रेंज के आईजी आशुतोष कुमार, देवीपाटन के डीआईजी राकेश कुमार के अलावा संजय कुमार, इंद्रपाल सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सम्मानित हुए राजघाट गोरखपुर के थाना प्रभारी राजेश कुमार पांडे व एडीजी दावा शेरपा ने कहा, जोन भर में क्षेत्राधिकारियों को 5 बिंदुओं पर कार्य निष्पादन की समीक्षा कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन अब हमने उसमें एक चीज और ऐड कर दिया कि प्रत्येक माह जिसका निष्पादन बहुत अच्छा रहेगा उनको हम सम्मानित भी करेंगे। उसी प्रकार से ये दो रहेगा, प्रथम द्वितीय। उसी प्रकार से और इस बार ये पहला है, तो पढ़ते जाइए इससे क्या है, कार्य निष्पादन में सराहनीय योगदान है जो आशा बरामद भी करेगा या कोई ऐसी चीज करेगा जो उल्लेखनीय होगा उनको भी हम प्रथम द्वितीय के रूप में आ जाएंगे। पांडे द्वारा एक मर्डर के मामले में जिसमें पत्नी और उसके खुद ने हत्या करके शव को शमशान में उसमें कब्रिस्तान में दफन किया था, अधीक्षक श्री देवेंद्र कुमार क्षेत्राधिकारी सदर जनपद महाराजगंज को। से भी ज्यादा हत्या कर लूट किए जाने के मामले में अलावरण किया है। ऐसी विवेचना का अनावरण किया है जिसमें उसको मृत दिखा करके और उसकी सारी जमीन हड़प ली गई। रजिस्टर बनवाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कहीं न कहीं से हर चीज़ वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में कहीं न कहीं से हो जाता है, और सर्वोच्च अधिकारी के संज्ञान होना मेरा तो बहुत बड़ा ही सौभाग्य का बात है कि सर ने जैसे भी पता नहीं कहाँ से संज्ञान ले लिया इस बात को और मुझे यहाँ बुलाया गया। मैं सर के जितना ही प्रशंसा करूँ उतना कम है। यहाँ राजघाट में एक मर्डर हो गया था, 10 तारीख को सूचना कहीं कहीं उनके माध्यम से 11/12 को मेरे पास आती है, गुमशुदगी दर्ज की जाती है, 13 तारीख को मैं संघ के आधार पर किसी को लाता हूँ, इसके बाद 14 को मैं फिर उस गुमशुदगी को मुकदमे में अल्टर करता हूँ, 15 तारीख को उसमें मैं और गति पकड़ लेता हूँ, और 15/00 में ही मुझे सब पता चल जाता है कि इसका मर्डर हो गया है और अत्यधिक कार्य करने की आवश्यकता है। 16 तारीख को नगर मजिस्ट्रेट साहब, मैं और पूरी टीम लेकर के फिर वहाँ कब्रिस्तान पहुँचता हूँ, और इसके पूर्व में सारी सब कुछ मुझे डिटेल पता चल गया था, वरिष्ठ अधिकारियों को मैं समय समय से अवगत कराते रहता था। देखा कि उसको मर्डर करके कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, वहाँ से बॉडी निकाली जाती है फिर सबके सामने आती है, तो इस प्रकार से 5 दिन में उस मर्डर का मेरे द्वारा खुलासा कर दिया गया, जिसके लिए आज श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा मुझे जोन स्तर पे सम्मानित किया गया, प्रशस्ति पत्र दिया गया। मैं सर की जितनी प्रशंसा करूं और यहां के जनपद के जो वरिष्ठ अधिकारी जितनी प्रशंसा करूं
उतना कम होगा, ये मेरा सौभाग्य का बात है। पुलिस विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों जैसे कि क्षेत्राधिकारीगण है, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर वर्ग के जो हमारे कर्मी है, जो प्रमुख रूप से फील्ड में जो अग्रणी भूमिका में रहते हैं, तो उनके द्वारा जो सराहनीय कार्य बीच बीच में करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, जिसका कभी तो इनको वो मिलता है इसका कमेंडेशन या कभी नहीं भी मिलता है। तो हमने एक प्रयास शुरू किया है कि लोगों ने अगर कोई बढ़ चढ़ के कोई अपने तरफ से विशेष प्रयास करके कोई उपलब्धि हासिल की हो तो ऐसे में उनको सम्मानित किया जाए। तो आज जो सम्मानित हुए उसमें जैसे आपने पूछा कि किस लिए, तो वो अलग अलग प्रकार के हैं। किसी ने कोई एक ऐसी विवेचना की कि मरे हुए आदमी के सारी संपत्ति दूसरे के नाम कर दिया था, इन्होंने विवेचना करके ढूंढ डाला और खोज डाला और इत्यादि। और सिमिलरली किसी ने अपराध के घटना में बहुत अच्छे योगदान किया है, क्षेत्राधिकारीगणों ने जैसे जांच, प्रारंभिक जांच या विवेचना में अच्छे प्रदर्शन किया है। ये विभिन्न कैटेगरी में जिस किसी भी फील्ड में कोई बहुत मतलब इस प्रकार से सराहनीय कार्य है उसके लिए ये दी गई है। और आगे से इसको लगातार हम प्रयास करेंगे कि सबके कार्य की सराहना ठीक ढंग से हो।